हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मेरा नया ड्रेस आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा ड्रेस पहन करके क्यों आ गया। तो फ्रेंड्स, ये पहनना तो बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि कल इंडिया ने बहुत ही अच्छे मैच में फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका को हरा करके फ्रेंड्स T20 का चैम्पियनशिप अपने नाम कर लिया। यानी हमारा जो है जो ये T20 का जो कप है, ये हमारा हो चुका है। और बहुत ही बढ़िया मैच था फ्रेंड्स, मैच देख करके मज़ा आ गया, दिल बाग बाग हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे काइट फाइटिंग करने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने नया खरीद लिया है। और मांझा ये लगाएंगे, ये किस कारीगर का मांझा है पता नहीं, क्योंकि अभी लेबल निकलेगा तब पता चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें मेरा मांझा बचा हुआ है, और अगर मांझा कम पड़ेगा तो अभी लगाऊंगा। तो चलिए इसको उड़ाते हैं, उड़ा करके जो है। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जो है काइट फाइटिंग शुरू कर देंगे हम। क्यों, मैं आपको बता दूं, उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे, तो फ्रेंड्स फिर हम पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। तो मैं कैमरामैन को बोलता हूँ फटाफट DSLR निकाले, और जो है काइट फाइटिंग का हवा भी थोड़ा सा इधर उधर लपक मार रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। चलो DSLR निकालो और फटाफट तैयारी लो। देखिए फ्रेंड्स, ये लड़ने जा रहा है और मेरे को लड़ाना है नीचे से। मैं हूँ राइट हैंड साइड पे, ओपोनेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फ्रेंड्स, अभी ऊपर नीचे हुआ नहीं, अभी डोर निकाला जा रहा है। ये 400 मीटर के आसपास पेच लड़ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूँ। हवा की स्पीड जो है आज बहुत अच्छी नहीं है, हुमस ज़्यादा है फ्रेंड्स। कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था फ्रेंड्स, मज़ा आ गया था मैच देख करके। अब देखिए क्या होता है, ओपोनेंट ऊपर से आ चुका है फ्रेंड्स, ऊपर नीचे हो गया। फ्रेंड्स वो झोल पकड़ने की कोशिश कर रहा है बार बार। यार कट गया फ्रेंड्स, बड़ा ही गंदा पेच कटा फ्रेंड्स, पूरा एकदम झोल पे चढ़ करके खींच के ले गया फ्रेंड्स। उसने तो बहुत अच्छा लड़ाया, लेकिन मैंने अच्छा नहीं लड़ाया, मज़ा नहीं आया। वो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पतंग लहराती हुई जा रही है, बहुत अच्छी पतंग कटी है फ्रेंड्स मेरी, मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, इस पेच को हम डमी से समझते हैं कि इस पेच ये पेच कैसे लड़ा। फ्रेंड्स, जैसे रेड वाली पतंग मान लीजिए मेरी है, ओपोनेंट की ब्लू वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे नीचे से घुसा और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपनी मुड्डा सेट किया, तो फ्रेंड्स वो चढ़ता ही चला गया, बिल्कुल यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, और यहाँ से अपनी पतंग का जो है मूव बनाया। और यहाँ से पतंग का मूव बनाने के बाद फ्रेंड्स यहीं से खींच दिया। मेरे को एक्चुअली क्या है, मेरे को अपनी पतंग कम करनी चाहिए थी, लेकिन फ्रेंड्स मैं किसी और चक्कर में था, मैंने सोचा था कि उसको यहाँ पर मैं खींच लूँगा, लेकिन फ्रेंड्स उसने बहुत अच्छी जगह गद्दा मार दिया और मेरी पतंग फ्रेंड्स कट के निकल गई। बहुत ही बढ़िया पतंग था फ्रेंड्स मेरा। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ा रहे हैं और मांझा लगाएंगे ये वाली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पहली पतंग कटी फ्रेंड्स, उसमें सद्दी और मांझा दोनों एक साथ तोड़ लिया, पूरा के पूरा सद्दी भी तोड़ लिया और मांझा तो गया ही गया, जो पतंग के साथ गया वो अलग गया, और जो पीछे का डोर था वो भी तोड़ लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये पतंग जो है नरेश की है, और लखनऊ के नरेश की है। 2016 में मैंने खरीदी थी, और ये मैंने 28 रुपये की 2016 में खरीदी थी। और ये आपको बता दूं कि ये लखनऊ से नहीं ख़रीदा था मैंने, ये पतंग मुंबई से ख़रीदी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये नरेश की ओरिजिनल पतंग है। बहुत ही मस्त पतंग होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नरेश का पतंग बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा लखनऊ का तो फ्रेंड्स सारी पतंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नरेश की पतंग तो कुछ खास ही होती है फ्रेंड्स। तो चलो फटाफट DSLR निकालो भैया, टाइम नहीं है इतना, बच्चों का आने का टाइम हो गया।
देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और मेरे को फिर से नीचे से लड़ाना है। ओपोनेंट सेम ओपोनेंट है जिसने मेरा पिछला पेज काटा फ्रेंड्स। 400 मीटर प्लस है, मैं अगेन राइट हैंड साइड पे, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से, ओपोनेंट ऊपर से लड़ाएगा, मैं नीचे से। ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स, फिर झोल पे देखिए, फिर से झोल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अबे चुप हो जा भाई, अरे यार दिमाग खराब कर दिया है। एक को मना करो तो साला दूसरा और तेज हो जाता है। फिर से झोल पे बैठने की कोशिश कर रहा था फ्रेंड्स। काट दीता गुरु चपटा बाहर का खींच के काटा फ्रेंड्स। वो देखिए लड़खड़ाती जा रही है, लड़खड़ाती हुई झूम बराबर झूम सरा भी, वो देखिए फ्रेंड्स। ये वाला पेच और पिछला वाला पेच काफ़ी हद तक सेम था फ्रेंड्स। जैसे मैं इस तरह से जो है घुसा उसके नीचे, तो फ्रेंड्स उसने ये रखा, ये रखने के बाद फ्रेंड्स फिर वो चढ़ने के चक्कर में था, तो फ्रेंड्स मैं पहले अलर्ट हो गया था फ्रेंड्स। और क्या हुआ कि जैसे उसने ऐसे डाउन किया फ्रेंड्स, मैं पूरा के पूरा इसको ऐसे चपटा खींच करके काट दिया, पूरा चपटा खींचा और उसकी पतंग कट करके निकल गई। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और मेरे को लड़ाना इस बार ऊपर से है। ओपोनेंट नीचे से आ चुका है फ्रेंड्स, मैं राइट हैंड साइड से मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से आ चुका है फ्रेंड्स। ऊपर नीचे हो गया है, एक एक बराबर चल रहा है फ्रेंड्स। ऊपर वाली पतंग मेरी है फ्रेंड्स, मैं इस बार ऊपर से लड़ा रहा हूँ, ओपोनेंट नीचे से लड़ा रहा है। ओपोनेंट अगेन फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड से ऊपर नीचे हो चुका है पूरी तरह से। फ्रेंड्स अभी एक एक बराबर चल रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। काटा गुरु फिर से काटा। वो जा रही है गड्डी जान दी, ये छलांगा मार दी, वो देखिए उसकी पतंग छलांग मारती जा रही है, वो देखिए लड़खड़ा गई फ्रेंड्स एकदम से, उसकी पतंग लड़खड़ाती हुई जा रही है, आए डिस्को डांस कर रहा है, वो देखिए चलती चली जा रही है फ्रेंड्स। इस पेज को समझते हैं, ओपोनेंट फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड पे। ओपोनेंट इस बार जो है फ्रेंड्स नीचे से लड़ाया, वो यूं घुस करके आया फ्रेंड्स और मैं ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ा, तो फ्रेंड्स जब ऊपर नीचे हो गया, जब उसकी खींचने की बारी है तो पहले तो फ्रेंड्स उसने यूं खींचा, मैं यूं गया, तो फ्रेंड्स लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने क्या किया, लास्ट मोमेंट पर उसने अपना जो है मुड्डा चेंज कर दिया, मुड्डा इस तरह से भीतर की तरफ कर दिया और भीतर की तरफ से खींचने लगा वो, तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया अपनी पतंग को लाम बना करके ये मारा फ्रेंड्स, ये लाम बना करके मारा फ्रेंड्स, उसकी पतंग भीतर ही उछल करके निकल गई। एक पतंग वो देखिए वहाँ पे, दो पतंग वहाँ लड़ रही है, ये देखिए इन दोनों का पेच लड़ रहा है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर ही हो रहा है। हम आगे पतंग लड़ा रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर भी पेच हो रहा है फ्रेंड्स। फिर से लड़ने जा रहा है, मेरे को ऊपर से लड़ाना है, मैं हूँ राइट हैंड साइड पे, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से। ओपोनेंट फ्रेंड्स नीचे से आ चुका है, पूरा पेच सही हो चुका है। मेरे को पता नहीं बार बार जो है इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच मेरे दिमाग में घूम रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर मेरा कट भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक से लीड कर रहा हूँ अभी और बच्चों ने भी बहुत सारी पतंग उड़ा दी पीछे से। पिछली बार भी फ्रेंड्स इसने भीतर का ही मुड्डा रखा था, लेकिन मैंने पूरा उसको चपटा खींच करके काट दिया था। इस बार फिर से भीतर का मुड्डा रख रहा है, लग रहा है भीतर का ही कुछ करेगा ये।
काटा गुरु फिर से काटा, वो देखिए फ्रेंड्स, वो देखिए काटा उसको फ्रेंड्स, लाम बना करके काटा, वो देखिए डिस्को डांस करती हुई जा रही है, वो देखिए टनाटन 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 जा रही है फ्रेंड्स, मज़ा आ गया ये पेज काट करके। मेरी पतंग बहुत मस्त है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ बहुत ही बढ़िया पतंग है, बहुत बढ़िया पतंग है मेरी, ये नंबर वन पतंग है फ्रेंड्स मेरी। लखनऊ की पतंग की बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। चलिए आपको डमी से समझाता हूँ मैंने इस पेज को कैसे काटा गुरु, लपेटू क्या इसको, जाने दो यार। फ्रेंड्स इस पेज को भी हम लोग डमी से समझते हैं। अगेन रेड वाली काइट मेरी है, ब्लू वाले ओपोनेंट की, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड पे, मैं अगेन ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से ऊपर नीचे जब हो गया तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, उसने पतंग यूँ चढ़ाई फ्रेंड्स, और मैंने क्या किया ऊपर थोड़ा सा रखा अपनी पतंग को, तो फ्रेंड्स जब उसने डाउन किया तो मैंने भी अपनी डाउन करी फ्रेंड्स। उसने क्या किया एक दो चक्कर खींचने के बाद थोड़ा सा भीतर ऐसे किया, तो जैसे मेरे को मौका मिला फ्रेंड्स मैंने ये मारा, लेकिन वो भीतर झिंझोड़ियाँ मारता रहा वो फ्रेंड्स। पहले मैंने भी झिंझोड़ी मारी एक दो, लेकिन जब डोर नहीं लगा तो फिर फ्रेंड्स मैंने पूरा एकदम सुलंग इस तरह से खींचा और उसकी पतंग भीतर के मुड्डे पे ही कट करके निकल गई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत ही बैड लक है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना नुकसान होता है ना, पतंग का पेच इतना नहीं कटता है जितना उससे ज़्यादा जो फ्रेंड्स ना कभी ज़ाया हो जाती है, कभी जो है लंगड़ फेंक देते हैं बच्चे, इस तरह से फ्रेंड्स ज़्यादा नुकसान होता है। ये देखिए अभी एक पतंग जो है कट करके आई, मेरी पतंग के ऊपर गिरी, यहीं पास से ही फ्रेंड्स कट के निकल गई। जब फ्रेंड्स जब मैं आपसे डमी से समझा रहा था ना फ्रेंड्स, मैं अपनी पतंग वहाँ पे बांध देता हूँ हमेशा ही, तो फ्रेंड्स पीछे से पतंग आई, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए बाबा जी का ठुल्लू रह गया, यहीं से चला गया फ्रेंड्स। और ये देखिए जो पतंग कट करके आई है ना, वो इसकी डोरियाँ पड़ी हुई है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोर पीछे से आ रही है, काफ़ी दूर से पतंग आई है फ्रेंड्स, और इसी की डोर गिरी है मेरे पतंग के ऊपर, तो फ्रेंड्स पतंग जो है मेरी निकल गई। और ये देखिए एक पतंग गई मेरी, बहुत अच्छी लखनऊ की पतंग चली गई नरेश वाली, एक पतंग ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फंसी हुई है, ये जो आगे डिस एंटीना है ना यहीं कहीं फंसी हुई है। निकल नहीं रही है फ्रेंड्स, यहीं पे फंस गई है, आ करके कट करके गिरी है, ये जो आप डिस देख रहे हैं ना इसके अंदर फंसी हुई है और टूट गई। चलो बेकार फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, अब वीडियो और बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी बच्चों ने पतंग उड़ानी शुरू कर दी है फ्रेंड्स, यही होगा पेच कम लड़ेगी ज़ाया ज़्यादा होगा, तो मटेरियल इतना महंगा है, अच्छा पतंग चला गया मेरा नरेश का फ्रेंड्स, तो बहुत दुख होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, बहुत जल्दी अगली काइट फाइटिंग के वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।